नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमने पहले भी हिंदी किया है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आई एम पिंगला, बहुत ही उमदा स्टोरी है, टॉपिक है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो या देखिए, पिंगला जो है, जैसा कि दर्शाता है, कुछ अट्रैक्टिव टाइटल है, आई एम पिंगला, हैशटैग आई एम पिंगला। सो ये सबसे बेहतर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि आई एम पिंगला का मतलब क्या है। बेसिकली ये स्टोरी बहुत पुरानी है, एंशियंट टाइम से, लाइक मोर देन 5000 ईयर्स बैक की स्टोरी है ये। और इसका एक मेंशन है, एक भागवतम स्क्रिप्चर है भागवतम नाम का। तो बेसिकली पिंगला का मतलब ये है कि प्रोस्टिट्यूट, और ये ऐसा है कि लाइक उनको हमेशा बोला जाता था, वो संतों के बीच में रहती थी, तो उनको हमेशा बोला जा रहा था कि तुम्हें जो ह्यूमन लाइफ मिला है या ह्यूमन बॉडी मिला है, प्लीज़ उसका इस तरीके से वेस्ट मत करो, प्रोस्टिट्यूशन करके वेस्ट मत करो, लेकिन वो सुनती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि वो पूरी रात खड़ी रह गई कस्टमर के इसके वेट के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं उनको। तो फाइनली अभी ऐसा हो गया कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन आया, और रियलाइजेशन के बाद पता चला कि मुझे ये ह्यूमन लाइफ जो मिला है इस कारण नहीं मिला है, प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए नहीं मिला है। तो बेसिकली हम सब में एक पिंगला छुपा है। पिंगला का मीन्स ये है कि हम पहले गलत थे, बुरे थे, अब हमें सुधरना है। अल्टीमेट हमारा गोल क्या, सुधरना। बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही रिच बैकग्राउंड से है, एंड उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन पर्सन, बिकॉज उस पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, उस वजह से मैं कैसे अफेक्ट होती हूँ, एंड यू नो माय जर्नी ऑफ बिकमिंग वन पर्सन फ्रॉम अनदर। तो कुछ है जो जो उसे पूरी तरीके से चेंज कर देता है, एंड हाउ हर लाइफ अफेक्ट हिज हर फ्रेंड्स। सो ये आपको मूवी देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे पता चलेगा। प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, ये जो लड़का होता है वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एंड इसके बहुत सारे एस्पिरेशंस है, इसका एक पैशन, इसके ड्रीम्स है। तो ये इसकी ये जर्नी दिखाई गई है कि वो ड्रीम्स को फॉलो करते करते कैसे गलत चीज़ों में जाता है एंड कैसे उन चीज़ों से निकलता है। मेरे पीछे की जो स्टोरी है कि मैं बैठता क्यों नहीं, तो उसके लिए आपको एक मूवी देखनी पड़ी। माय नेम इज निर्दोष एंड आई एम गिविंग द म्यूजिक फॉर दिस फिल्म। इसमें तीन गाने जो हम कर रहे हैं, तो आई विल बी कंपोजिंग एंड मे बी ही गिव मी सम चांस टू एक्ट आल्सो। खास वजह यही है, जैसा कि हमने कहा कि हम हर चीज रियलिस्टिक में बिलीव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ये कॉलेज बेस्ड स्टोरी है, सारे यंग, जैसा कि आप सब देखते हैं, सारे यंग लोग बैठे हैं, यंग हमारी टीम है, यंग डायरेक्टर हैं, सारे यंग लोग हैं। सो यस, कॉलेज बेस है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना मुहूर्त एंड आप सबके साथ गुफ्तगू हम कॉलेज में ही करें। तो या दिस वाज द रीजन। जल्दी मे भी मेरे लिए मुझे ब्लेसिंग्स मिली है कि लाइक मैं जल्दी स्टार्ट कर सकूँ। अपॉर्चुनिटी अच्छी है हमारे लिए कि हमारे पास सारे यंग मेम्बर्स है, यंग टीम है, सब यंग क्रू है। तो बेसिकली मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं, अच्छा है कि मेरे पास सामने कोई सीनियर पर्सन नहीं है जिसे मुझे ऑर्डर देना पड़े। कैसे ख्याल आया कि एक फिल्म होनी चाहिए, तो शक्ल कैसे लेनी शुरू की एक फिल्म की? बेसिकली ये लास्ट 2 ईयर से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं अभी आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ इससे रिलेटेड चीज़ें, जो सस्पेंस पार्ट है हमारी मूवी का। तो ऐसे तो देखने जाओगे तो अब मैं 9 ईयर से वर्क कर रहा हूँ इस पर, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मेरा ये प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, और लास्ट 2 ईयर्स के बाद हम फाइनली फ्लोर पर आ रहे हैं। डेब्यू, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि डेब्यू तो मैंने पहले फिलहाल कर चुकी हूँ, बट एज अ चाइल्ड एक्टर, सो नाउ आई एम नॉट चाइल्ड, आई एम अडल्ट, यू कैन से। सो यस, यू कैन से डेब्यू फिल्म है, हम सब के लिए है, एंड मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको मई में नया धमाका देने वाली हूँ। सी हियर आई एम, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया।
नया धमाका आ रही है. सी एज एन एक्टर आई बिलीव कि हर लोगों को जो भी एक्टर है उसे अपना 1000% 100% देना ही चाहिए. सी इट्स ऑल अबाउट लक एंड इट्स ऑल अबाउट मेहनत. आप जितना मेहनत करते हैं आज नहीं तो कल आपका फल आपको मिलता ही है. सो आई बिलीव कि आप मेहनत करते रहिए, फल जब मिलना होगा तब तो मिलेगा ही. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.